अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नई जॉब के मतलब बताने जा रहा हूँ जो कि कुछ दिन पहले आई हुई है। ये पोस्टें हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, FGEHF, जी हाँ, जिसे कहा जा रहा है। इसकी लास्ट डेट, इसका ओपनिंग डेट 28 मई 2022 है और लास्ट डेट 12 जून 2022 है। एडवर्टाइजमेंट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुके और मैं अभी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ इसकी जॉब्स के मुतालिक। रही एडवर्टाइजमेंट और ये ओपन हो रही है। जी, तो ये ओपन हो चुकी है और अभी मैं आपको इस तरह पढ़ के बताता हूँ और इसके जो लास्ट डेट है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये रही फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, पहली पोस्ट डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 16 ग्रेड की है, एज लिमिट 35 होनी चाहिए, सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम HEC और एक एक ही पोस्ट और वो भी KPK की है। दूसरी पोस्ट असिस्टेंट की है, मेरिट की बुनियाद पर एक, और सिंध रूरल की एक पोस्ट है, सेकंड क्लास बैचलर। कैशियर की BPS 14 ग्रेड है, मेरिट की बुनियाद पर एक ही सीट, सब इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा होना चाहिए, मेरिट की बुनियाद पर एक और KPK की एक सीट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर सेकंड क्लास बैचलर होना चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर 2 सीटें, और बाकी आप लोग देख सकते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक। अगली पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट, इंटरमीडिएट होना चाहिए और एक ही पोस्ट है पंजाब के लिए, माइनॉरिटी कोटा, अपर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट, मेरिट की बुनियाद पर एक और KPK की 2 सीटें और सिंध रूरल की एक पोस्ट। गवादर इंटरमीडिएट, सॉरी, गार्डवार इंटरमीडिएट विद पटवारी कोर्स होना चाहिए, पंजाब की एक सीट है। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसकी 4 सीटें हैं और डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। पटवारी मेट्रिकुलेशन विद पटवारी का कोर्स होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी भी आपके सामने लिखी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र BPS 7 ग्रेड, मेट्रिक एंड मेट्रिक विद सेकेंड क्लास, ठीक है, ये भी आपके सामने है। इसकी भी 2 पोस्टें हैं। डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर, इसकी एक पोस्ट है। नायब कासिद, इसकी 10 पोस्टें हैं पर ये लोकल बेसिस पर, ICT की 5 सीटें, 1 सीट री रिजर्व फॉर फीमेल कोटा, 1 सीट इज़ रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा, और पंजाब की 3 सीटें हैं, सिंध रूरल के एक और एक KPK की। चौकीदार, सॉरी, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सिक्योरिटी गार्ड की 42 सीटें हैं, ठीक है, और इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने। और लास्ट चौकीदार, इसकी 2 सीटें हैं और ये मिडल पास होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दी जाएगी और इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका वो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए। लेकिन जो चालान है वो आपने सबमिट करवाना होगा 200 रुपये का, और ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है 0008165050762 8, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। इसकी जो वेबसाइट है वो ये लिखी हुई है FGEHA.gov.pk, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की सामने आ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट ये है, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट सामने लिखे, और अप्लाई ऑनलाइन, और ये यहाँ से आप लोग चालान डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चालान के लिए यही है, ये आपने पहले भरना होगा, ठीक है, आपने अपना CNIC कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे देना है, और ये आपने 200 रुपये का एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी जमा करना होगा, ठीक है, और तारीख वगैरह भी यहाँ पे आपने सब कुछ फिल कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ अप्लाई ऑनलाइन का तरीका, तो ये बिल्कुल आसान है। काइंडली फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली,
यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन ख्याल से भरना है, ठीक है। रिज्यूमे सीवी साइज शुड बी लेस देन, आपने अपनी जो सीवी होगी वो भी देनी होगी 1 MB के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग स्पेशल करेक्टर्स, सेमी कोलन वगैरह वगैरह, इनों को नहीं लिखना आपने। तो एप्लीकेशन, एप्लीकेंट का नाम देना है, फादर नेम देना है, CNIC नंबर विदाउट डैशेज, डैशेज, जेंडर, अप्लाइड फॉर कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने बताना है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो सबसे बड़ी अपनी क्वालिफिकेशन है यानी कि FSCA, BSCA वगैरह जो भी, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। वैलिड LTV लाइसेंस है अगर चाहे आपके पास तो वो आपने देना है। टाइपिंग शॉर्ट हैंड स्पीड, टाइपिंग की भी आपने अपनी स्पीड बतानी होगी, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, डोमिसाइल बताना है, डोमिसाइल का फिर सिटी बताना है। सोशल कोटा इफ एनी, अगर चाहे आप किसी कोटे पर अप्लाई करें तो वो आपने बताना है। करंट एड्रेस आपका जो है वो आपने बताना है। मोबाइल नंबर ज़रूरी से बताना है, ईमेल एड्रेस, चालान की डेट बतानी है, अटैच चालान, चालान जो आपने जमा करवाया हुआ होगा वो आपने यहाँ पे उसकी फाइल यानी फ़ोटो लेके फिर यहाँ पे अपने सबमिट करवानी होगी, और अटैच CV पिक्चर, और आपने अपने यहाँ पे जो CV आपकी होगी वो आपने यहाँ पे ज़रूर यहाँ से यहाँ जाके चूज़ कर लेनी होगी, ठीक है, जैसे ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बे कर लेता हूँ, फिर आपने इसे सेव एंड पेरेंट कर लेना होगा, ठीक है। और आगे आपका यानी देगा आपको सेव करने का ऑप्शन, क्योंकि मैंने अभी डेटा फिल नहीं किया हुआ था इस वजह से मुझे नहीं दे रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।